वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क। वेलकम टू द फिफ्थ सेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड द टॉपिक्स कवर्ड आर इंट्रोडक्शन, इंस्ट्रक्शन सेट, डेटा मूवमेंट, इंस्ट्रक्शन सेट, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन एंड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, एड्रेसिंग मोड्स। इन एड्रेसिंग मोड्स वेरियस वेज ऑफ एड्रेसिंग डेटा इन एन इंस्ट्रक्शन। अगर हम एड्रेसिंग मोड की बात करें तो एक एड्रेस को हम डिफरेंट डिफरेंट वेज से एड्रेस कर सकते हैं, उन वेज को हम एड्रेसिंग मोड कहते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड, वी हैव डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग, इम्प्लाइड एड्रेसिंग, कंबाइंड एड्रेसिंग मोड्स। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स दैट वी कैन यूज इन आवर इंस्ट्रक्शंस। इन 8085 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, वन वर्ड और वन बाइट इंस्ट्रक्शन, टू वर्ड और टू बाइट इंस्ट्रक्शन, थ्री वर्ड्स और थ्री बाइट इंस्ट्रक्शन। मीन्स वी कैन परफॉर्म दीज सॉरी वी कैन यूज दीज फॉर्मेट्स। इन वन बाइट वी ओनली यूज वन बाइट, इन टू बाइट वी यूज टू बाइट्स फॉर परफॉर्मिंग एनी इंस्ट्रक्शन, एंड इन थ्री बाइट्स वी यूज थ्री बाइट्स फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन सेट, इट कंटेन्स 74 इंस्ट्रक्शन। अगर हम इंस्ट्रक्शन सेट की बात करें तो एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जिसमें 74 इंस्ट्रक्शन होते हैं। डेट आर ब्रेक इंटू थ्री पार्ट्स, ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन, डेटा ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये डिफरेंट डिफरेंट थ्री टाइप्स के पार्ट हैं जिनमें इंस्ट्रक्शन सेट ब्रेक होता है। द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट आर अंडरस्टूड बाय सीपीयू आर मशीन कोड, बाइनरी एंड यूजली रिप्रेजेंटेड बाय असेंबली कोड्स। सीपीयू जिन जिन इंस्ट्रक्शन को समझ सकता है उनका एक कलेक्शन होता है जिसमें हम मशीन कोड को इंक्लूड करते हैं, बाइनरी कोड को इंक्लूड करते हैं और जनरली इसको हम असेंबली कोड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ डेटा मूवमेंट, डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। दिस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड द 8085 विद द एबिलिटी टू मूव डेटा। इस ग्रुप के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस आते हैं जिसके थ्रू हम डेटा को मूव कर सकते हैं। मीन्स मूव करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं वो डेटा मूवमेंट ग्रुप के अंदर आते हैं। हेयर फर्स्ट वन वी हैव एमओवी ग्रुप, एमओवी आर वन आर टू, मीन्स वी आर मूविंग रजिस्टर टू वैल्यू इनटू रजिस्टर वन। मूव द डेटा बिटवीन रजिस्टर, इट विल मूव डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू टू रजिस्टर वन। दिस इज डेस्टिनेशन एंड दिस इज सोर्स। एमओवी आर एम रजिस्टर इंडिकेट मोड ऑफ एड्रेसिंग इन विच एमओवी आर एम रिप्रेजेंट डेट वी आर एड्रेसिंग एम इन टू आर, मीन्स वी आर यूजिंग इनडायरेक्ट मोड। If we write MOV M, R, H and L register of the microprocessor contain an address and the data is moved to or from the address. अगर हम ये instruction use करते हैं या execute करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि H, L, N register जो microprocessor में होते हैं वो address को contain कर रखा है उन्होंने और हम डेटा को मूव कर रहे हैं बिटवीन द एड्रेस। आफ्टर दैट वी हैव एमवीआई ग्रुप, एमवीआई आर कोमा डेटा, मूव द इमीडिएट डेटा टू द रजिस्टर। अगर हम इमीडिएटली किसी डेटा को रजिस्टर में मूव करना चाहते हैं तो हम एमवीआई ग्रुप के अंदर
MVI इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन मूव द डेटा टू द R इमीडिएटली। MVI M कोमा डेटा, इट विल मूव द डेटा टू द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय HL पेयर। इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम डेटा को मेमोरी जो HL पेयर के थ्रू मेमोरी पॉइंट हो रही है उस लोकेशन पर मूव कर सकते हैं। आफ्टर दैट LXI इंस्ट्रक्शन, LXI RP डेटा सेक्शन प्रोवाइड अ मीन ऑफ लोडिंग एनी रजिस्टर पेयर विद अ 2 बाइट वैल्यू। LXI इंस्ट्रक्शन में हम जनरली 2 बाइट का यूज करते हैं और इसका यूज हम मेमोरी में वैल्यू लोड करने के लिए करते हैं। आफ्टर दैट LDA एंड STA, LDA एड्रेस कोमा STA एड्रेस। द लोड accumulated डायरेक्ट एंड द स्टोर accumulated डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड a mean ऑफ मूविंग a byte बिटवीन द accumulator एंड a RAM एड्रेस। इन registers के थ्रू हम ये इंडिकेट करते हैं या हम कह सकते हैं इसके थ्रू हम accumulator से RAM addresses के बीच में डेटा को मूव कराते हैं। The load accumulator direct and the store accumulator direct instructions provide a mean of moving a byte between the accumulator and a RAM register. RAM addresses means RAM से accumulator register में data send करने के लिए हम इन instructions का use करते हैं। Now LHLD and SHLD, LHLD addresses and SHLD addresses. The load HNL direct LHLD and store HNL direct SHLD instructions provide a means of moving 2 bytes between the HL register pair and the RAM addresses. In addresses ka use hum HL register pair and RAM ke beech mein 2 bytes ko move karane ke liye karte hain. Now after that we have LDAX and STAX colon LDAX RP. The load accumulator indirect known as LDAX and store accumulator indirect known as STAX instruction provide a mean of moving data between the accumulator. Accumulator register में data को move कराने के लिए हम LDAX and STAX instructions का use कर सकते हैं। After that we have exchange XCHG and XCHG. The exchange XCHG instruction permits the HL register pair's content to be exchanged with the DE register pair content. HL register pairs के content को DE register pairs के content के साथ exchange कराने के लिए हम XCHG instruction का use कर सकते हैं। Now we have instruction set, data movement instruction for the 8085 microprocessor. These are the instruction and these are the operation. If we talk about NOP means no operation performed. If we talk about MV R1 R2 means we are putting R2 values into R1. Move RM, this implies R is equal to M and HL register pair value. Move M comma R means M and HL value pair using R means we are putting R's value into this address. MVI RN means we are putting N value into R. In the similar way, MVI MN, LXI RP, LDA, STA, HLD, SHLD, LDX, STX, XCHG, PUSH, RP, PUSH, PSW, PO,
POP RP, POP PSW, X, THL, SPHL, IN-N, and OUT-N. These are used to perform different kind of operations that are mentioned here. These are instructions and these are operations. Now we have arithmetic instruction. If we talk about add instruction, then we have add R and add M. These are add instruction, means we use add symbolic representation to add for addition. The add register and add memory, the add with carry, we can use add with carry also by using ADC. For example, ADC R and ADC M. The add register with carry and add memory with carry. This represent add register with carry and this represent add register memory with carry. After that we have add immediate ADI and ACI. That represent add immediate and add immediate with carry. After that subtract instructions, subtract R and subtract M. The subtract register and the subtract memory instruction subtract the specified byte in a register. Sub is keyword ka use hum karte hain subtraction perform karne ke liye. After that we have subtract with borrow represented by SBBR and SBBM. The subtract register with borrow represented by SBBR and subtract memory with borrow instruction represented by SBBM. In the similar way we have subtract immediate SUI data and SVI data. The subtract immediate and subtract immediate with borrow instruction. In the similar way increment instruction INR and IRM, means increment register and increment register memory instruction. As we have increment register, we also have decrement register represented by DCR and DCRM. DCRR means decrement register and DCRM means decrement memory instruction. We also have register pair instruction represented by INX RP and DCX RP. The increment register pair and the decrement register pair instructions. This represents increment register pair and this represents the decrement register pair. After we have one more instruction DAA, decimal after adjust. The decimal adjust accumulator instruction convert the 8 bit value in the A register. DAA ka use hum 8 bit value ko A register mein convert karne ke liye karte hain. After that we have logical groups and instruction ANAR and ANAM. R again represent register and M again represent memory. Instruction perform a logical and function between the specified byte either in a register or in the address contained in the HL register and the content of the accumulator. Ye instruction एक लॉजिकल एंड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है और लॉजिकल एंड परफॉर्म हम रजिस्टर एंड एचएल रजिस्टर पेयर के बीच में करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव एंड इमीडिएट एएनआई डेटा. द एंड इमीडिएट इंस्ट्रक्शन अलाउज द प्रोग्रामर टू मैच द बाइट इन द एक्युमुलेटर विद अ फिक्स्ड मास्क बाइट. एंड इमीडिएट इंस्ट्रक्शन के थ्रू हाँ कोई भी प्रोग्रामर मैच कर सकता है बाइट्स को एक्यूमुलेटर में कुछ फिक्स्ड मास बाइट से. मीन्स हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर में पहले ही कुछ बाइट स्पेसिफाई कर दिए हैं मास्क बाइट्स एंड उसको हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर से कंपेयर करा सकते हैं वाया एंड इमीडिएट इंस्ट्रक्शन. As we have and immediate, we also have OR instructions.
ORAR and ORAM. The OR register and OR memory instruction perform inclusive ORs between the specified byte. कुछ bytes के बीच में inclusive OR perform कराने के लिए हम OR instruction का use करते हैं. OR immediate represented as ORI data. The OR immediate instructions allows the programmer to match the content of the accumulator against a fixed mask byte which is contained in the second byte of the instruction. Accumulator को कुछ fixed byte, हम कह सकते हैं fixed mask byte से comparison कराने के लिए हम OR immediate instruction का use करते हैं. After that we have exclusive OR instruction represented by XRAR and XRAM. Means exclusive OR register and exclusive OR memory instruction. It perform exclusive OR functions between the specified register or in the address contained in the H and L register and the content of accumulator. XRA के थ्रू हम एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं या तो डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स के बीच में या फिर H एंड L रजिस्टर्स के कंटेंट एंड एक्यूमुलेटर के कंटेंट के बीच में. वी ऑल्सो है एक्सक्लूसिव और इमीडिएट इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंटेड बाय XRI डेटा. The exclusive or immediate instruction allows the programmer to perform an exclusive OR between a mask byte stored as the second byte of instruction and the content of the accumulator. Exclusive OR के थ्रू हम mask byte या accumulator के registers के content के बीच में कंपैरिजन करा सकते हैं. ये प्रोग्राम इजीली कर सकता है. वी ऑल्सो हैव कंपैरिजन ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय सीएमपी. सीएमपी आर फॉर रजिस्टर एंड सीएमपी एम फॉर मेमोरी. द कंपेयर रजिस्टर एंड कंपेयर मेमोरी इंस्ट्रक्शन कंपेयर द कंटेंट ऑफ स्पेसिफाइड बाइट इधर इन अ रजिस्टर और इन द एड्रेस कंटेंट इन द एच एंड एल रजिस्टर to the content of the accumulator. Compare registers का हम use करते हैं किन्हीं भी दो registers या दो से ज्यादा registers के contents को compare कराने के लिए या H and L register में जो content है और accumulator में जो content present है उनको compare कराने के लिए. We have compare immediate CPI data. The compare immediate instruction compare the content of the accumulator to a fixed value provided by the second byte of the instruction. Compare immediate instruction का use हम accumulator registers में कुछ fixed value जो कि second byte instruction के second byte के through provide की गई है उसको compare कराने के लिए करते हैं. We also have rotate instruction represented by RLC and RRC, means rotate left and rotate right instruction that rotate the accumulator content one bit position left or right respectively. अगर हम RL means rotate left instruction का use कर रहे हैं तो हम accumulator registers के content को one bit left में move कर सकते हैं. इन द सिमिलर वे अगर हम RR means rotate to right instruction का यूज करते हैं तो हम accumulator register के contents को one bit right में shift कर सकते हैं. We also have rotate through carries RAL and RAR. The rotate left through carry and the rotate right through carry instruction. These rotate the accumulator content one bit position left or right respectively. Instruction use the carry flag as the ninth bit
in the circle. R L C के थ्रू हम कंटेंट्स को वन बिट लेफ्ट या वन बिट राइट में मूव कराते हैं, और हम एक नाइन बिट का यूज करते हैं, नाइन्थ बिट का यूज करते हैं फ्लैग रजिस्टर को यूज करने के लिए, मींस कैरी फ्लैग को यूज करने के लिए. कंप्लीमेंट एक्युमुलेटर रिप्रेजेंटेड बाय CMA. द कंप्लीमेंट एक्युमुलेटर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड अ वंस कंप्लीमेंट. इसके थ्रू हम किसी भी नंबर का वंस कंप्लीमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. ऑफ द 8 बिट इन द ए रजिस्टर, मींस जो कि 8 बिट से रिप्रेजेंट होती है. वी ऑल्सो हैव कैरी इंस्ट्रक्शन CMC एंड STC, द कंप्लीमेंट कैरी एंड द सेट कैरी इंस्ट्रक्शन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट डेटा ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेशन फॉर द 8085 माइक्रो प्रोसेसर. दीज आर द इंस्ट्रक्शंस, दीज आर द ऑपरेशन एंड दीज आर द फ्लैग्स दैट आर सेट when we perform these operations. Again in the similar way, these are the instruction, these are operation and these are the flags that will set by performing the specified operation. If we perform add R, it means we are adding A is equal to A plus R, means we are adding R content into the A register. Flag set all. If we are providing add M, that is we are using A is equal to A plus M HL registers value and flag set all. ADI N means we are putting, we are adding N into A and putting the output in A. Flag set all. In the similar way we have ADC, ADC R, ADC M, ACI N, Sub R, Sub M, SUI N, SBB R, SBB M to perform these operation, and in all those we, the flag sets is all. Similar way increment X, decrement X, DAD, DA, ANA, ANI, ORA, ORI, XRA, XRI, compare we have CMP, rotate to left, rotate to right, RAL, RAR, CMA, CMC, STC, means these are so many, means there are so many instructions that we use to perform some operations. Now we have do it yourself. First question for you is explain move instruction. Move instruction is used to move the content of one register into the other register, and the syntax for move is move destination comma source, means source from where we get the data and destination to which we are putting data. Second question for you is what is complement accumulator, means CMA. CMA or complement accumulator is used to perform the complement of any number of 8 bit. This is all for today. We will cover the next topics in the next sessions. Thank you. Happy learning. We learning.